वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए बेहद आसान सब नई डिजाइन लेकर आई हूँ। इसे आप लेडीज, जेंट्स और बच्चों के आल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बेहद आसान सा डिजाइन है फ्रेंड, सिर्फ 4 सिलाइयों का जो डिजाइन है। देखिए डिजाइन को बनाने के लिए हमें ये 5 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए, मींस 5-5 फंदों का जोड़। 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही हमने 5-5 फंदे लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट में 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखेंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये पैटर्न सेट आएगा। ये बॉर्डर के बाद सीधी साइड से मैंने जो एक सीधी रो डाल ली है, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा बुनकर बैक साइड आ गए। बैक साइड से ही हमारा ये डिजाइन स्टार्ट होगा। देखिए फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, एस्टिच फंदा हमने ऐसे स्लिप किया, बूल को पीछे लेकर गए, 1, 2, दो फंदे हमने सीधे बनाए, बूल को आगे लेकर आए, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए इस फंदे को छोड़कर जो ही 5 फंदे हमने पूरी डिजाइन में रिपीट करने, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। फिर से बूल पीछे लेकर गए, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। फिर से 2 फंदे सीधे आगे लेकर आए, 3 फंदे उल्टे, बूल पीछे लेकर गए, लास्ट में 2 फंदे सीधे और 1 फंदा हमारा उल्टा आएगा। देखिए पहली सिलाई हमने ऐसे रिपीट की है, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा। अब हम राइट साइड आ गए डिजाइन की सेकंड रो। ध्यान से देखिएगा, इस फंदे को हमने ऐसे स्लिप किया जो एस्टिच फंदा है। देखिए अब क्या करना है, 1, 2, दो फंदे हमारे उल्टे ही जाएंगे। देखिए अब हमारा जे बूल अपनी तरफ ही रहेगा, इसको हमने स्लिप करना है एक फंदे को। अब इन दो फंदों का हम एक करेंगे, देखिए जहां पर हमारी एक जाली बन गई है। अब इस स्लिप किए फंदे को भी हम इसके ऊपर से गिरा देंगे। देखिए जहां पर हमने 3 का एक बनाना है एक जाली, जहां पर हमारा एक फंदा कम हुआ है वो हम बैक साइड से अपना पूरा करेंगे। इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे फिर से। देखिए 2 फंदे उल्टे, बूल हमारी तरफ ही रहेगी, इस फंदे को हमने ऐसे स्लिप कर लेना है। अब इन दो का हम ऐसे एक करेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर से हमने ऐसे घिरा देना है। फिर से यही रिपीट होगा, 2 फंदे उल्टे, बूल अपनी तरफ ही रहेगी, इस फंदे को स्लिप करेंगे, 2 का एक किया, इसे इसके ऊपर से हमने ऐसे निकाल देना है। लास्ट का फंदा हमारा 2 उल्टे और 1 फंदा सीधा। देखिए दूसरी सिलाई हमने ऐसे कंप्लीट की है। अब हम बैक साइड आगे डिजाइन की थर्ड रो, एस्टिच फंदा हमने ऐसे स्लिप किया, बूल को पीछे लेकर गए, 1, 2, दो फंदे सीधे, बूल अपनी तरफ। देखिए अब जे 3 के हमने एक बनाया था, अब क्या करना है, इस फंदे को हमने ऐसे उल्टा बुनना है। देखिए जहां पर एक हम जाली डालेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा। देखिए 5 फंदों के हमारे जे 5 फंदे ही हो गए, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, जाली, फिर एक उल्टा। देखिए ये बीच में जाली देकर हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। फिर से यही रिपीट होगा, 2 फंदे सीधे, बूल अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, ने ऐसे बनाना है एक जाली, 1 फंदा फिर से उल्टा। फिर से 2 फंदे सीधे, उल्टा, जाली, फिर से एक उल्टा, लास्ट में 2 फंदे सीधे, एस्टिच को हमने उल्टा बनाना है। देखिए इसके साथ 3 सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब हम राइट साइड आगे डिजाइन की फोर्थ रो, एस्टिच फंदा हमने ऐसे स्लिप किया, उल्टे फंदों को हमने ऐसे उल्टा ही बनाना है, बूल को पीछे लेकर गए, अब 1, 2, 3, 3 फंदे सीधे। देखिए 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, फिर से इसे रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, फिर से 1,
दो दो उल्टे, तीन फंदे सीधे, फिर से दो फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे कि चार सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हम बैक साइड से अपनी जो फर्स्ट हो जहां से डालेंगे तो जो पैटर्न आगे आगे बनता जाएगा, हम इसी डिजाइन को आगे आगे रिपीट करेंगे इन्हीं चार सिलाइयों को, तो जो डिजाइन ऐसे बनेगा। थैंक यू।